उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। त्रिवेंद्र जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रही, क्या निष्कर्ष निकला? ये देखिए, अभी तो बैठक शुरू हुई है। अभी राजनीतिक प्रस्ताव आया है, उस पर चर्चा हुई है। कुछ जिन राज्यों में भी चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, उन पर विमर्श हुआ है कैसे वहाँ पर जीते, और कुछ जिन राज्यों में भी चुनाव है विशेषकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उन पर वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं, उन सारे विषयों पर आज यहाँ पर वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी भविष्य की रणनीति वहाँ पर बताई है। कुल मिलाकर संकल्प ये कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इस पर दोनों में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी। आज का तो मैं समझता हूँ कि मुख्य विषय यही था। देखा जाए दक्षिण भारत में भी स्थिति को मजबूत बनाना है, आपको लगता है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी कमल खिलाने की तैयारी मजबूत होगी? पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर हमारे जो पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं और कुछ और, उनको 5-6 दिन से लगातार इधर पर प्रवास पर थे, और इस बार जो उत्साहजनक जो वातावरण यहाँ पर देखने में आया है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर जिस तरह से जनता में गुस्सा है, और तो लोगों में उनका उनके प्रति एक अविश्वास खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार तेलंगाना में मैं भी काफ़ी आगे तक 200 किलोमीटर करीब यहाँ मैंने भी भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ भी लोगों से मिले हैं, तो इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तेलंगाना। आप सुन रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिख रही है दक्षिण भारत में। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना नारायण, न्यूज़ हैदराबाद।